उपायुक्त हरकेश मीणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी उपमंडलाधिकारी, खंड विकास अधिकारियों एवं खंड चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक कर अनलॉक 2.0 के दौरान कोरोना वायरस COVID-19 के संक्रमण की रोकथाम के उपायों एवं प्रबंधों की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशों के अनुसार अनलॉक 2.0 चरण में विभिन्न गतिविधियों की अनुमति प्रदान की गई है। बाहरी राज्यों से यहां आने वाले लोगों को अब पास की आवश्यकता नहीं है, मगर उन्हें COVID-19 epass.hp.in वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के अनुसार जिला स्तर पर सभी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि बाहरी राज्यों विशेष तौर पर हाई लोड सिटी से आने वाले लोगों की समुचित निगरानी की जा सके। उन्होंने कहा कि जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में जिला में प्रतिदिन आने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पूर्व में जहां लगभग 200 लोग प्रतिदिन आ रहे थे, वहीं गत सप्ताह से ये आंकड़ा 500 के करीब पहुंच गया है। ऐसे में सर्विलांस टीम आशा कार्यकर्ताओं तथा स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की जिम्मेवारी और भी बढ़ गई है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वे पंचायत तथा शहरी क्षेत्रों में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों पर कड़ी नजर बनाए रखें और उनके संगरोध की भी निर्धारित मापदंडों के अनुसार उचित व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों का दायित्व है कि वे इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन एवं पंचायत अथवा शहरी निकायों को अवश्य दें। अगर कोई बिना सूचना दिए जिला में प्रवेश करता है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने सभी SDM को निर्देश दिए कि वे क्षेत्र में दौरा कर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अपनाई जाने वाली सावधानियों के बारे में भी लोगों को जागरूक करते रहें और अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाएं। विशेष तौर पर बिना मास्क पहने घूम रहे लोगों अथवा निश्चित दूरी की अनुपालना न करने वालों पर आवश्यक कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि रोजगार छोड़कर बाहरी राज्यों से जिला में आए लगभग 3,500 दक्ष युवाओं की पहचान की गई है। ऐसे युवाओं को स्थानीय स्तर पर काम दिलाने अथवा कोई उद्यम स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन हर संभव मदद कर रहा है। उन्हें मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, आत्मनिर्भर भारत पैकेज सहित विभिन्न योजनाओं के साथ जोड़ते हुए स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जिन स्थानीय व्यवसायियों के कर्मचारी कार्य छोड़कर बाहर गए हैं, उन्हें भी जिला में आए इन दक्ष लोगों की सेवाएं मिल सकेंगी। लंबे अरसे से बाहर कार्य कर रहे लोगों के अनुभव का भी लाभ यहां उठाया जा सकता है। हाल ही में जिला में मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड की संख्या भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। छिटपुट व्यवसायों, दुकानों व व्यापारिक परिसरों में कार्य करने वाले जो युवा रोजगार जाने से परेशान थे, उनमें से कई लोगों का रुख कृषि व अन्य कार्यों की ओर भी हुआ है। उन्हें भी प्रोत्साहित कर हर संभव मदद दी जा रही है। बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जितेंद्र सांसडा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अर्चना सोनी, PO DRDA KD कंवर, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय जगोता भी उपस्थित रहे। आज सभी SDMs, BDOs और DMOs के साथ VC की गई थी, क्योंकि पास डिसकंटिन्यू हुए हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैंडेटरी है। तो जो भी लोग बाहर से आए हैं वो उसमें साइट पे जो उसी साइट को हम चूज कर रहे हैं कि आप अपने जो अप्लाई करें वो, तो उसमें इश्यू होने का प्रोविज़न है। तो इसको लेकर रिव्यू किया गया था और अभी देखा गया है पिछले एक हफ्ते में जो 1 तारीख से लेके 7 जुलाई तक का डाटा जो एनालिसिस किया गया था, तो जो फिगर था हमने पिछले जून के से 3rd-4th week में कुछ रेस्ट्रिक्ट किए थे पास, तो 200 के आसपास डेली का मूवमेंट था, वो अब 500-600 के बीच में हुआ है। तो जो कि हमारे लिए चैलेंजिंग है, डिफरेंट सब रीजन्स में हमने रिव्यू किया है और किस तरह से इनको इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन और होम क्वारंटाइन किस तरह से जा रहे हैं, क्या कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है जो किस प्रोसेस से फिर स्लिप तो नहीं हो रहा हो, तो वो सारी चीज़ें हमने रिव्यू की गई की थी और उसमें सभी DMOs को या RD डिपार्टमेंट टीम को STM से बोला है कि उनको मोटिवेटेड रखें और उसमें जो काम कंटिन्यूसली इस प्रोसेस में किसी भी फ्रंट पर लैप्सेज का कोई स्कोप नहीं रहना चाहिए। उसके साथ में जो डिफरेंट चीज़ें हैं, जो चाहे वो
लोग बाहर से आए हैं, काफ़ी सारे लोग आए थे हमारे पास, तो उनको जो मैपिंग हम लोगों ने की थी लगभग 3500 से 4000 के बीच में, कल जो आज का पूरा 3600 है, उसमें जो लोग आए हैं डिफरेंट सेक्टर्स से, उनको हम लोग किस तरह से इंगेज कर सकते हैं, फिर आज उनको स्टीम्स को भी बोला है डिफरेंट, जिसके आप अपने एरिया में उन लोगों को आइडेंटिफाई करें जो एंटरप्रेन्योरशिप का काम भी कर रहे हैं, उनका अपना जो एक बिजनेस है और उनके भी लोग बाहर गए हैं लेबर, तो इससे बहुत टू वे साइड की जो एम्प्लॉयर्स हैं जिनका काम उनके लेबर कुछ लोग शिफ्ट हुए हैं और तो उनको भी लोग की जरूरत है स्किल लेबर की या सेमी स्किल लेबर की, और हमारे पास लोग आए हैं उनमें से कुछ मतलब जो इतने सारे रजिस्टर हैं तो डेफिनेटली वो वॉलंटियर वो करना चाहते हैं यहीं लोकली, तो उनको किस तरह से इंगेज आपस में किया जा सकता है। साथ मनरेगा में जो हमने देखा है, जो पहले एवरेज मस्टोल इश्यू हमारे मंथली 2 से 2500 के बीच में होती थी, उससे 1.5 गुना मस्टोल्स हमारे इश्यू होने लगी, और किस तरह से हम और इसको बढ़ाया जा सकता है, और नए जॉब कार्ड भी मतलब 1400 के आसपास नए जॉब कार्ड भी इश्यू हुए हैं, और कई जगह से फीडबैक भी आ रही है एग्रीकल्चर में भी या हॉर्टिकल्चर में रिस्पेक्ट, जो एग्रीकल्चर लैंड वैसे ही पड़ी हुई थी कई जगह पे, तो उनमें भी लोगों ने जो खेत काफ़ी टाइम से जुताई और उसमें कुछ बुआई वगैरह नहीं की थी, उनमें भी कुछ एक्टिविटी स्टार्ट हुई है। मैंने जैसे कल एक दो जगह डेयरी में देखी थी, वहाँ भी कुछ लोग इस तरह के निकले जो पहले हमीरपुर में काम करते थे कि स्वीट की शॉप पर या किसी दूसरे किराने की शॉप पर, नाउ दे इंगेज लोकली इन दी विलेज, जो उनके किसी में किसने इस तरह से एक्टिविटी स्टार्ट की है, तो एक हमारे चैलेंज के साथ एक अपॉर्चुनिटी भी है ये।